पहले तो एक वन साइड हैंड पेन था, अब तो नेक बैक फुल पैर तक ही, वन साइड मतलब दहा। और एक बार देखो अभी हेवीनेस भी बहुत कम हो गया रहेगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता सरकनिया, हाँ अच्छा, आप कहाँ से हो? वडाला। वडाल। अच्छा आपको क्या क्या तकलीफ है और कब से है? सर 2-3 साल, 2002 से ही। पहले तो एक वन साइड हैंड पेन था, अब तो नेक बैक फुल पैर तक ही, वन साइड, मतलब हाँ पीछे पूरा ही दर्द बढ़ता ही जा रहा है। वन साइड पूरा, राइट साइड पूरी। हाँ राइट साइड पूरा। कितना टाइम हो गया? 1-2 साल हो ही गए। 2 साल दो कम से साल कम। अच्छा, कई ट्रीटमेंट किया आपने? बहुत जगह कर बहुत चुके जगह हैं, किया, बहुत जगह बहुत किया। जगह कर चुके हैं। वो जो है ना आपको, जो है ना ये L4 L5 और L5 S1 में डिस्क बल्जिंग होने के कारण भी है लंबर में। आपका जो L5 जो है ना वो नीचे चला गया है। अच्छा हाँ उसकी वजह से नर्व पे प्रेशर जा रहा है, वो सबसे पाँव में भी पेन आ रहा है आपका। आपका जो सर्वाइकल में जो है ना ये C4 C5 C6 C7 यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसके पेन वजह से आपको हाथ में पेन आ रहा है आ ना। रहा है, जो इसमें सूजन भी आ जाती है हाथ हाँ में। जो सर्वाइकल बोलते हैं ना, मतलब गर्दन के जो 7 वर्टिब्रा होते हैं ना, हाँ तो उसमें 6 5 6 7 वो जगह डिस्क बल्ज बल्ज यानी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, वो नर्व को दबा रही है। वो नस को दबाने की वजह से वो हाथ में जो है ना स्वेलिंग आना, स्वेलिंग दर्द आना। होना उसी का कारण होता है। और आपका विटामिन D12 चेक किया है कभी? नहीं, नहीं कुछ नहीं भी नहीं चेक चेक हुआ। किया है। ठीक है आप सीधे लेट जाइए, स्ट्रेट, ऐसा ऐसा सीधा स्ट्रेट लेट वाला। बिल्कुल फ्री छोड़ देना गर्दन ना, मेरे हाथ पे दोनों छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ ऐसा, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा पेन रहेगा आपको। हाँ यही पे C5 C6 आता है, समझ गए? ये वाला ये देखिए, यह पेन मुझे बताना है, यह कहाँ पेन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना? हाँ ओके रिलैक्स, ठीक है लंबा सांस लीजिए, छोड़ना है। ओके बिल्कुल फ्री, यही पे ना? हाँ करेक्ट, यह बिल्कुल फ्री, लूज रिलैक्स। बिल्कुल फ्री, बस बस बिल्कुल फ्री, लूज बिल्कुल, बस रिलैक्स। यहाँ पे भी पेन है? यहाँ का मैं ऊपर ही थोड़ा। हाँ यहाँ, ये यहाँ पे ना, हाँ करेक्ट। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बस लंबा सांस लीजिए, छोड़िए,
लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बस लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बस बोल, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथ करते रहना। या एग्जैक्टली पेन कहाँ है ना ये मुझे बताना है, या है या पे, बरोबर, थोड़ा सा कुछ नहीं, रिलैक्स रहना है बस, ये पॉइंट है, बरोबर, यहाँ पे, बरोबर, ये ना, बस सांस लीजिए, छोड़िए, बरोबर, ये वाला करेक्ट, थोड़ा सा, थोड़ा सीधे लेटना है भी, ऐसे पकड़ो इस तरह से, ओके, दोनों पाँव को फोल्ड कर कर, सांस लो लंबा, छोड़िए, बिल्कुल फ्री। अब इस तरफ फेस करना है, मेरी तरफ घूम जाइए, इधर वन साइड करवट ले लो, हाँ, यस, ये नीचे का पाव लंबा रखना है, यहाँ पकड़ो, ठीक है, छोड़ना नहीं हाथ को, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, एल फोर एल फाइव, सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल सेम इस तरफ, ऐसा पकड़ो, लोअर लेग स्ट्रेट करो, इसको बस, लंबा सांस लो, छोड़ो, बिल्कुल, छोड़ लो, बस, ओके, टाइट नहीं करना है, बिल्कुल, ओके, अभी कैसा लूज छोड़ता, वैसे लूज छोड़ना है, लूज, बस, बस, वहाँ पकड़ के रखना है, उस तरफ छोड़ना नहीं है, पक्को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल गुड, रिलैक्स, 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 बस, पूरा स्टिफनेस है, या फिर पैर को लूज, हाथ पे पैर को, बस, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल, बस, छोड़ दीजिए,
थोड़ा उस पाव को पकड़ो, हाथ पेट पे रखो, लो बस। बस ओके, सीधा स्टेट, बस पकड़ना नहीं कहीं पे। लंबा सांस लेना, छोड़ी, रिलैक्स, बस लंबा सांस लेके छोड़ना है। ओके, अभी उठ जाइए एक साइड से, करोट लेके, कभी भी करोट लेके उठना है, खड़े हो जाइए, हाथ ऐसे ऊपर करने दोनों, अच्छा फिंगर लॉक करके मेरे फिंगर पे रखना है, हाँ, और पीछे चलना नहीं है, सांस लीजिए, छोड़ी, एल्बो थोड़ी क्लोज करना है हल्का, बस चलो मत, खड़े हो जाओ, गिरोगे नहीं, चलना नहीं, अब गिरोगे नहीं, बिंदास छोड़ दो बॉडी, ये करेक्ट, बस बैठ जाए अभी। बस बस बिल्कुल, बस बस ओके, फिर छोड़ना है, बस ओके, सेट, लूज, बस लू लू, बस बस अभी चल के देखे तो कितना बेटर लगा पहले से, बेटर है, हाँ बेटर है, पहले से कम लग रहा मुझे, थोड़ा राउंड मारो, यहाँ का पेन थोड़ा रिलीफ लग रहा है, रिलीफ लग रहा है, जो हाथ में भी लग रहा था ना वो सट, या ऊपर वो भी दिख चुका, हाँ थोड़ा ऐसे, हाँ सही है ना, हाई तो कई पेन मुझे बता दो, अभी जा भी रहेगा ना मुझे बताने, यहाँ तो कम लग रहा है, ऐसे हाँ ऐसे हैवी लगता है, हैवी शोल्डर, अभी लग रहा है, बाकी दर्द नहीं है ना, दर्द तो कम है चेक करो फिर, लेकिन ऐसे हैवी, यही शोल्डर हैवी लग रहा है और तो थोड़ा, बाकी नहीं, पेटियाँ सब करना, बस फिर इसको इस तरह से, ओके बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बस सेम, इसको बस ऊपर करो, रिलैक्स, अभी देखो ऊपर करके, हेवीनेस कम हुआ क्या, है क्या है, हाँ थोड़ा कम, कम हो गया, यह पेन कहाँ, हाँ, ये है ना, ये वाला बरोबर, रिलैक्स रिलैक्स, ये है ना, हाँ अभी चेक करो, रिलीफ है, रिलीफ है, हेवीनेस कम हो गया अभी, हाँ गुड, ठीक है, देखो अभी हेवीनेस भी बहुत कम हो गया रहेगा, थैंक यू, डाइट में देखिए ध्यान क्या रखना है, बेकरी के प्रोडक्ट और डेयरी के प्रोडक्ट, दूध पक दूध पी सकते हैं, लेकिन जो पनीर दही
ऐसी चीज़ें बनती वो कभी नहीं लेनी, और दही अचार पपड़ जो है ना फर्मेंटेड सब बंद, जो भिगो के रखते हैं चार घंटा फिर बनाते हैं ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे इडली हो गया डोसा हो गया। और डिनर है वो जल्दी करना है आपको, 7 o'clock करना है, 7 बजे के पहले 7 बजे के आसपास होना ही होना है। अगर लेट हुआ तो फिर आपको खाना नहीं खाना है, जूस वगैरह है तो थोड़ा दूध पी के सो जाना है। और लंच में डिनर में ग्रीन सलाद ज़्यादा खाना है, समझ गए ना? हाँ, एक अंदाज से 100 ग्राम पकड़ के चलिए, उसको पहले खाइए ग्रीन सलाद को, फिर लंच करो। डिनर में भी वैसा है, एक ग्रीन सलाद खाइए फिर लंच करो। शायद सुबह अगर नाश्ते में अगर फ्रूट खाते तो और वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, फ्रूट खाएंगे तो और बेटर होगा। ये डाइट आपको पक्की करनी है, ठीक है? थैंक यू।